तो मैं तमाम जितने भी प्रत्याशी थे, 70 के 70 उत्तराखंड के जो हारे हैं उनको भी बधाई देता हूँ, और जो जीते हैं उनको भी मेरी शुभकामना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्य दोनों का एक ही है कि किसी प्रकार से भी उत्तराखंड का विकास किया जाए और उत्तराखंड के जो जनहित के मुद्दे हैं वो किस प्रकार से साकार हो सके, यही सभी का लक्ष्य है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, नहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। कांग्रेस ने जी जान से मेहनत करके इस चुनाव को लड़ा, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जो भी अपना आशीर्वाद दिया है कांग्रेस के प्रत्याशियों को, बहुत से क्षेत्रों के अंदर हमारे नए प्रत्याशी जीत कर आए हैं, युवा जीत कर आए हैं, उनका एक नया अनुभव होगा कांग्रेस को सींचने में। निश्चित रूप से जहां तक हरिद्वार सीट की बात आप कहेंगे, तो हरिद्वार सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रबंधन था वो था तो बहुत मजबूत, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लापरवाह था, और लापरवाह होने के कारण इस सीट से कांग्रेस को नाकामी देखनी पड़ी। और ठीक इसी प्रकार का अच्छा प्रबंधन बराबर की सीट पे था, हरिद्वार ग्रामीण पर, तो हरिद्वार ग्रामीण पे अच्छा प्रबंधन था और चारों तरफ निगाह रखी हुई थी कार्यकर्ताओं ने, वहां सीट जीती गई। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को एक समीक्षा बैठक आयोजित की जानी चाहिए, और जो जनता से सरोकार रखते हैं कार्यकर्ता, जो जनता के बीच में रहते हैं, उन कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को मुख्य धारा में लाकर उनका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों का जो मुख्य उद्देश्य होता है चुनाव संग्राम को जीतना होता है। तो मैं समझता हूं कि इस और अभी से देखिए, हार जीत लगी रहती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, ऐसा ही नहीं, हाँ, एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी 0 थी और आज भारतीय जनता पार्टी जो है उभर कर आई। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन है वो इस और